होशियार खरगोश होता था। इतना बुद्धिमान था कि सारा जंगल उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करता था। वो सब में फेमस था कि बहुत इंटेलिजेंट है, हर प्रॉब्लम का उसके पास इलाज होता था। तो एक बार दौड़ते 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 वो एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जो उसके लिए नया जंगल था, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। और जैसे वो वहां पहुंचा उसने देखा एक खून से भरी हुई लाल रंग की झील है। उसमें नीले रंग का पानी नहीं था, लाल रंग का पानी था। वो 2 मिनट के लिए रुका, उसने देखा, बहुत कोशिश करी समझने की कि पानी का रंग लाल क्यों है। जैसे ही वो उसके नजदीक गया उसने एक बड़ा सा मगरमच्छ देखा। अब तो वो समझ गया कि ये मगरमच्छ जो है ये जरूर जानवरों को खाता होगा और इस वजह से यहाँ का पानी लाल रंग का है। इतने में ही उसने दूर से 3-4 और जानवर आते देखे। उन जानवरों के पास गया और उनका दोस्त बन गया। उसने उनसे पूछा कि मैं इसमें जो झील है इसमें मैं पार करके इसको आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? मैं जाऊँगा तो मगरमच्छ तो मुझे खा जाएगा। तो जानवरों ने भी बोला कि हाँ, हमने सुना है एक मगरमच्छ है जो जो भी उस नदी के अंदर घुसता है उस चीज में वो खा जाता है मगरमच्छ, और इसी वजह से उसका पानी लाल रंग का हो गया है। पर वो सचमुच का मगरमच्छ है या नहीं ये हमें नहीं मालूम है। तो खरगोश ने बोला कि आओ मेरे साथ, हम चेक करते हैं, हम पता करते हैं क्या ये सचमुच में मगरमच्छ है। अगर तो ये मगरमच्छ हुआ फिर हम पानी में नहीं जाएंगे, पर अगर ये पत्थर हुआ तो हम पानी में जाएंगे। तो सबने बोला हाँ ये बात ठीक है। उसने क्या किया, ऐसा नहीं लगता कि ये कोई पत्थर है। तो बंदर ने बोला मुझे नहीं मालूम है। तो खरगोश बोला मैं आपको बताऊं, अगर ये पत्थर बोला कि हाँ हाँ मैं पत्थर हूँ तो इसका मतलब ये पत्थर ही होगा। तो उसने बोला हाँ ये बात ठीक है। पर अभी वो बात कर ही रहे थे तो वो मगरमच्छ बोला हाँ मैं पत्थर हूँ। समझ गए कि ये मगरमच्छ है, ये चलाकी से बोल रहा है हाँ मैं पत्थर हूँ, इसलिए इस खुली झील के अंदर जाना बिल्कुल समझदारी नहीं है। उन सबने हाथ पकड़ा और वहां से छूमंतर हो गए, भाग गए। क्या समझ आई कहानी से? ये समझना कि हमेशा कोई भी प्रॉब्लम जो दिखती है उसका हल समझदारी से निकलता है।